दोस्तों, मेरा जो तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। आप देख सकते हो दोस्तों, आप इसकी वजह से कितना हैवी लुक हम हैंडल मोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें गैप मिल जाता है और वो इस बड़े वाले फ्लैप में। मुझे तो बहुत अच्छा लुक अब मेरी बाइक का लग रहा, कितना बड़ा फ्यूल टैंक है। तो वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टैक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 में पल्सर 180 के फ्यूल टैंक फ्लैप कवर लगा के दिखाने वाला हूं, बोलते हो फ्यूल टैंक फ्लैप कवर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। और यही नहीं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दोनों फ्लैप कवर में क्या मेजर डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो को पूरा देख। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। ओके, इस तरह से आप देखोगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस आप इसमें नहीं देख पाओगे। ओके, ये पल्सर 150 का है और ये पल्सर 180 का है। ओके, देख सकते हैं ये बिल्कुल पेयर में लग रहा है और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एक ही सेट है, एक ही बाइक का पूरा सेट है। ओके, लेकिन इन दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हैं, वो डिफरेंसेज मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से कंपनियां जो लुक में डिफरेंस देती हैं वो किस तरीके से देती हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये पल्सर 150 का है और ये पल्सर 180 का है। ओके, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेज है। तो ऐसे तो नहीं पता लगेगा दोस्तों, फ्रंट लुक से तो पता ही नहीं लगेगा, इसको हमें इस साइड से देखना पड़ेगा। देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है उनमें डिफरेंस है। आप इसमें देख सकते हैं शाइनिंग टाइप आपको नजर आएगा, वहीं इसमें आपको शाइनिंग कुछ भी नहीं नजर आएगा, ये बिल्कुल मैट के टाइप से नजर आएगा। दूसरी चीज ये देखिए, इसमें इंडिकेट किया हुआ है पल्सर 180। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है, बस यहाँ पे एक बजाज का लोगो बना हुआ है और शायद कहीं लिखा भी हो पल्सर 150 करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिखा होगा। ओके, और इन दोनों की जो प्लास्टिक सीट है दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ये हैवी मटेरियल में है और ये थोड़ा सा लो मटेरियल में है। ओके, मतलब ये आसानी से लपक करता है और ये थोड़ा सा हार्ड और मजबूत है पल्सर 180 का। ओके, ये दोस्तों इसका एक टूटा हुआ था, तो मैंने ये LP की हेल्प से इसका ये नक्का बनाया हुआ है, सेकेंड हैंड खरीदा हुआ है मैंने ये। अब आते हैं हम इसमें जो मेजर डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी इस चीज़ में यहाँ से यहाँ तक में, ये यहाँ पे हमने इंची टेप में रखा और ये नापा हमने, ये देखिए है ना, 7 इंच में भी ये 1 पॉइंट कम है। ओके, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने यहाँ से रखा हुआ है यहाँ से, और वहीं ये जो है इसका मैं इस साइड वाला हिस्सा ले लेता हूँ, इसका पेयर 180 का, ये देखा है ना, ये राइट हैंड साइड पल्सर 180 राइट हैंड साइड। अब मैं इसको आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल उसी जगह से मैंने लिया है ये, और ये देखिए दोस्तों 7.5 इंच। ओके, तो लगभग ये इतने का डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों सिर्फ इतने के डिफरेंस से कुछ नहीं होने वाला है। जो लुक आता है पल्सर 180 में और पल्सर 150 में, आप गौर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देता है, अब मैं इसको रखता हूँ साइड। ओके, और इससे मैच करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसी के साथ ही इसी को देखने से हमें पता लगेगा अंदर की साइड। ये देखिए, सेम पॉइंट्स हैं, एक दो बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन दोस्तों आप गौर करोगे ये चीज़, ये देख रहे हैं ये यहाँ पे जो कट है उससे ये पॉइंट जो है थोड़ा सा आगे है ना, इसके नीचे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है। वहीं ये पल्सर 180 का देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे है, देखिए आप डिफरेंस देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ये यहाँ से घूम गया है और आगे आ गया है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे है, लगभग हाफ इंचीज आगे है, और वहीं ये बिल्कुल इसके नीचे है, ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल इसके नीचे है ना, ये लाइनिंग सेम है। और ये देखिए आप, अगर आप गौर करोगे तब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। ओके, यानी मतलब कहने का ये, अगर ये यहाँ होता तो थोड़ा सा ये आगे हो जाता, लेकिन ये थोड़ी सी आगे है, इसकी वजह से थोड़ा पीछे हो जाएगा, और ये यहाँ पे है तो ये थोड़ी सी आगे की साइड हो जाएगा। दूसरी चीज़,
ये देखिए इसका जो ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ एक उंगली का डिफरेंस, वहीं इसमें पल्सर 180 वाले में ये देखिए दो उंगली से भी ज़्यादा है ना, देख सकते हैं आप दो उंगली से भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, इसका जो लुक होगा ये बिल्कुल आगे की तरफ नोक टाइप में आ जाएगा और ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। हालांकि पोजीशन सेम है लेकिन इस पॉइंट की वजह से ही थोड़ा सा लुक इसका लंबा हो जाएगा और इसका लुक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके अपनी बाइक में दिखाता हूँ, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो हेडलाइट और फ्यूल टैंक का जो गैप है पल्सर 150 का वो थोड़ा सा कम है और पल्सर 180 का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं ले आया हूँ लेकिन अभी तक मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। इसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे को इसको यहाँ से थोड़ा सा इतना इस तरीके से कट करना पड़ेगा, तब इसका गैप यहाँ पे बन पाए। तो चलिए पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, ओके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पर निशान लगा लेता हूँ जितना मुझे कट करना है, ओके ये आराम से यूँ आएगा और इतना मुझे इसे कट करना पड़ेगा इस तरीके से, ओके इससे मैच करते हुए। ये मैंने ग्रीन कलर का ले लिया है ताकि मुझे दिखाई दे, क्योंकि ब्लैक इसमें मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से ओके। उसके बाद हम इसकी घिसाई कर लेंगे। तो ये हो गया निशान हमारा, अब मैं इसको बंद करके रख देता हूँ साइड में और इससे लगता है ये देखिए ड्रिल मशीन है, इस पर मैंने ये जुगाड़ बनाया। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया, उसी तरीके से हम ये अब अपना दूसरा वाला हिस्सा भी कट कर लेंगे, ओके। तो चलिए पहले इस पर भी निशान लगा लेते हैं, ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया। इन दोनों को हमने कट कर लिया है, ओके अब हम इसकी लगभग थोड़ी थोड़ी घिसाई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल शेप में आ जाए। तो चलिए मैंने इसको लगा लिया था, अब हम कर लेते हैं हल्की हल्की घिसाई। तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग लगभग ये बिल्कुल शेप में आ गया है, ओके बाकी थोड़ी मोड़ी और है, उसको हम दूसरे वाले सैंड पेपर से ठीक कर लेंगे, ओके। चलिए उसी तरीके से अब हम इसको भी शेप दे देते हैं। दोस्तों देख सकते हो दोनों पे दोनों बिल्कुल लगभग शेप में आ चुके हैं, ओके है ना। चलिए अब इसका दूसरे सैंड पेपर से इसकी थोड़ी सी रबिंग और कर देते हैं, ओके। हमको सफाई से करने में जो मज़ा है वो रफली काम करने में मज़ा नहीं है। तो देख सकते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ये रहा अपना वो सैंड पेपर 120 नंबर का, ओके। दोस्तों बहुत कुछ सोचना पड़ता है किसी भी एक वीडियो को बनाने के लिए, एक चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए बहुत कुछ रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके कहीं कोई चीज़ तैयार होती है। ठीक इस सैंड पेपर का यूज़ मैं आगे आपको अपनी बहुत सी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हमारे कितने काम आती है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसे सीधे इंस्टॉल करना है। थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह हैं इस पर, तो अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम विनाइल की रैपिंग कर देंगे ब्लैक कलर की, तो मस्त हो जाएगा ये, किसी तरह की कोई भी इस पर दाग नहीं रह जाएगा, ओके। तो चलिए करके चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं आता है ये हमारी बाइक में या नहीं, या ये सारी मेहनत पानी में। तो अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी हमने कटाई और घिसाई दोनों कर ली है, देखिए बिल्कुल स्मूथ और फिनिश कर दिया है, ओके। देख सकते हैं आप ये पल्सर 180 का है, ये लिखा हुआ है पल्सर 180, ओके। और इस पर भी देख सकते हैं पल्सर 180, ओके। और जो मेरा पहले वाला है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा जो मेरी ऑलरेडी बाइक पर इंस्टॉल है, ओके ये देख। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए भी मेरे को इसकी फ्यूल टैंक के साथ में कुछ यहाँ पे छेड़खानी करनी पड़ी है, कुछ कारीगरी कारस्तानी करनी पड़ी है, ओके। तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने इसके पेंच ढीले कर लिए हैं और ये देखिए ये मैंने इसको खोल लिया है, ये अपना बाहर आ गया, ओके। तो मैं बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या था एक्चुअल में हुआ ये था, ये पॉइंट जो था ये थोड़ा सा ऊपर था, ओके। ऊपर होने की वजह से मेरा इस हैंडल बार में इसमें ये
टच हो रहा था, जिसकी वजह से पूरा हैंडल मूव नहीं हो रहा था। ओके, तो इसको मैंने ग्राइंडर से कट किया और थोड़ा सा नीचे से कट किया तो थोड़ा सा डाउन हो गया। और इसके अंदर ये देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक की अलग से इसको छोटी सी प्लेट टाइप बनाई और इसमें चिपका दिया, और इसके नीचे भी मैंने कुछ चिपका दिया जिससे ये ऊपर नीचे कुछ भी ना हो। देख सकते हैं ये कट किया हुआ है। ओके, ये ऊपर से भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर था जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बन नहीं रहा था। तो कंपनियां कई बारी कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं अपना पल्सर 180 वाला है। ओके, अब मैं इसको इंस्टॉल करने, ये मैंने ऊपर इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसका ये बोर्ड लगा लूँगा अंदर। ओके, तो लगा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ से नहीं हो पाएगा। इसको मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका पेंच। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने इसमें लगा दिया ये बोल्ट। ओके, और अब इसका जो लुक आएगा दोस्तों, पहले वाले से बहुत ही बड़ा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा। ओके, पहले वाला छोटा था जिसकी वजह से बहुत छोटा लगता था। इसका जो लुक है दोस्तों, वो बिल्कुल पल्सर 180 का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो है ये पोर्शन, ये हेडलाइट है अपनी, हेडलाइट का ये पोर्शन। मुझे इसमें से थोड़ा सा लगभग एक सूट, मतलब इतना सा कह सकते हैं आप, इतना सा मुझे ये यहाँ से कट करना पड़ा है। नहीं तो क्या होता है, वो जब हम हैंडल बार को मोड़ते हैं तो उस टाइम पे ये इस जगह पर टकराता है, ये चीज़ जो है इस जगह पर टकराती थी। ओके, अब चलिए उस साइड का भी लगा लेते हैं। इस तरफ का भी नहीं लगाया मैंने, इस तरफ का आप देख सकते हैं, ये वही पुराना वाला ही है। ये देखिए है ना, इसमें दो हॉल हैं, वो छोटा वाला ही है। ओके, तो अब ये जो है ये बिल्कुल सेट है। मैंने इसमें कोई कटपिट नहीं किया हुआ, ना कुछ किया, कोई दूसरी छेड़खानी की है। देख सकते हैं आप, मैं इस रबड़ को निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का पॉइंट है। ओके, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, वो थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से। तो कंपनियाँ भी कई बार डिफेक्ट कर देती हैं चीज़ों को बनाने में, और ये बिल्कुल सही सेटअप पर है। और वो थोड़ा सा गड़बड़ था, उसके इस पॉइंट में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी और इस पॉइंट में भी गड़बड़ थी, तो मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। चलिए लगा लेते हैं इसको भी। लगभग अटैच हो गया, अब हम इसे टाइट कर लेंगे। ओके, तो मैं लगा लेता हूँ इसको, गिर गया। चलिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमने ये फ्लैप कवर इंस्टॉल कर लिए हैं पल्सर 180 के, और ये अच्छे हुए अपने पल्सर 150 के। देख सकते हो, सिर्फ उतने की वजह से इसका लुक बहुत अजीब सा लगता था। मतलब मैंने इस बाइक में ऑल टोटल पूरी मॉडिफिकेशन करी हुई है पल्सर 180 की, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कहीं कमी लगती थी। तो सिर्फ इसकी वजह से ही मैंने वो अपना फ्लैप कवर चेंज किया है। देख सकते हो दोस्तों, अब इसकी वजह से कितना हैवी लुक हो गया है। इसका फ्यूल टैंक का भी लुक हो गया बड़ा, और ये भी बिल्कुल लुक में आ गया है, वरना ये डाउन सा लगता था और अजीब सा लगता था, सिर्फ इतने की वजह से। ओके दोस्तों, मैं बहुत चीज़ों पे गौर किया करता था कि आखिर लुक आता क्यों नहीं है, क्या वजह है कि इसका जो लुक है पल्सर 180 सा नहीं आता है। मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, सब कुछ मॉडिफाई कर दिया है, उसके बावजूद भी मुझे वो लुक नहीं मिल पा रहा जो मुझे चाहिए। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा डिफरेंस कर ही देती हैं जिसकी वजह से। अच्छा, ये जो मुझे कट करना पड़ा है वो मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, उसका कारण है अपनी बाइक की चेचिस। पल्सर 180 की चेचिस जो है वो एक इंच थोड़ी सी और आगे फ्यूल टैंक से आगे तक होती है, लंबी होती है। ओके, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे गैप मिल जाता है, जब हम हैंडल मोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें गैप मिल जाता है, और वो इस बड़े वाले फ्लैप में टकराती नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पल्सर 180 का लुक आ गया है, बड़े से फ्यूल टैंक लग रहे हैं, और बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लुक अब मेरी बाइक का लग रहा है। बड़े कान, बड़ा सा फ्यूल टैंक, ऐसा फील होता है जैसे एकदम कितना बड़ा फ्यूल टैंक है। ओके,
तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।